जंगल में 15 वर्षीय बच्ची की मिली लाश। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी। थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत बनखंडी मंदिर गैलाना में 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव घर से 200 मीटर दूर जंगल में मिला। क्षेत्रीय लोगों की माने तो मामला दुष्कर्म का लग रहा है। मृतक बच्ची के पिता सब्जी की लगाते हैं रेडी। पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। नव भारत समाचार, आगरा, उत्तर प्रदेश के राजीव कंचन की। सर, ये गैलाना में एक बच्ची की मर्डर की सूचना है, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, थाना क्षेत्र सिकंदरा के गैलाना एरिया में एक बच्ची की डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पे पुलिस की टीमें, फील्ड यूनिट वगैरह सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लड़की की जो है वो शिनाख्त भी यहाँ पे हो गई है। इस तहरीर पे जो उनके घर वाले देंगे उस पे मुकदमा भी इसमें पंजीकृत किया जाएगा, और इसमें जो भी इसमें अपराधी लिप्त है उसके खिलाफ भी, उसको ढूंढने की भी पूरी कोशिश की जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव से ये सूचना तकरीबन 4:30 बजे थाने पर मिली है कि एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल है, उसकी डेड बॉडी जो है वो गांव के पीछे जो जंगल है वहाँ मिली है। तत्काल थाना प्रभारी और अन्य थाना प्रभारी और ASP, SKCT सभी मौके पर पहुँच गए। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि जो पीड़िता है, मृतका है, वो तकरीबन 10 बजे के आसपास घर में अपनी मदर को टॉयलेट शौच करने के नाम पर कहकर बाहर गई है, और उसके बाद वो वापस नहीं आई तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। तकरीबन 3:30 बजे जो है उनके परिवार की एक महिला ने जंगल में इसकी डेड बॉडी को देखा और सूचना थाने पर दी गई है। डेड बॉडी का जो है वो पूरा परीक्षण किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के द्वारा किया गया है। गले में एक चुनरी जो है वैसी दिख रही है जैसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर बहुत अपडेट जो है पूरी जानकारी होगी। और इस घटना को, चूँकि इसमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, ब्लाइंड केस है, SPCT के नेतृत्व में अभी हमने 4 टीमें लगा दी हैं जो विभिन्न एंगल पे हर एक तथ्यों पे जानकारी कर रही है, और सिर्फ इस घटना का अनावरण कर लिया जाए। थैंक यू।